डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था प्रोटॉन के अंदर जो है हमारे दो अपवर्ड क्वार्क हैं, एक डाउनवर्ड क्वार्क है, उनके ऊपर चार्ज कैलकुलेट किया था हमने पॉजिटिव। अब मैं बात करूंगा न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन के ऊपर क्या लिखते हैं भैया हम? नो चार्ज। अगर बात करें न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन की क्या स्ट्रक्चर होती है बेसिकली? इसमें दो डाउनवर्ड क्वार्क होते हैं और एक अपवर्ड क्वार्क होता है। मतलब इसको मैं इसे दिखा देता हूं, डी डी यू, मतलब दो डाउनवर्ड क्वार्क और एक अपवर्ड क्वार्क। वही प्रोटॉन की तरह इंटरेक्शन इनके बीच में भी है, ठीक है। अब डाउनवर्ड क्वार्क पे चार्ज कितना था भाई? -1/3। अब कितने डाउनवर्ड क्वार्क? दो, -1/3। अपवर्ड क्वार्क क्या है, कितना चार्ज है? +2/3। सॉल्व कर लीजिए इसको, 3 एलसीएम आ गया हमारा, -1 -1 +2, तो कितना चार्ज आ गया हमारा? नो चार्ज। तो इस तरह से हम बताते हैं न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता, ना ये पॉजिटिव होता ना ये नेगेटिव होता। अगर आपको इसे पहले पता था न्यूट्रॉन के ऊपर जीरो चार्ज क्यों होता है तो वो भी कमेंट करके बताएं, नहीं पता था तो वो भी बताएं, और वीडियो अच्छी लग रही है तो दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू।